नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब टीम के बारे में, जहां पर उनको मिली है 3 सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर कहीं ना कहीं पंजाब की टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यही नहीं, जो पंजाब टीम के फैंस हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ये खबर होने वाली है, क्योंकि उनके इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए किंग्स इलेवन पंजाब कहीं ना कहीं जो है राहत भरी सांस लेती रहेगी, क्योंकि इन्होंने इन खिलाड़ियों को या तो रिटेन किया है या तो इन्हें नई बाइंग के रूप में ऑक्शन में खरीदा है। और ऐसे में इन खिलाड़ियों का मौजूदा प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पंजाब की टीम का जो स्क्वाड है वो कितना मजबूत है, और ये खिलाड़ी जो है आगे भी कितना अच्छा कमाल करके दिखाने वाले हैं। और दोस्तों ये कौन कौन से खिलाड़ी रहेंगे और क्या है इनका पूरा प्रदर्शन, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे कुछ बातें कर सकते हैं, हमने अपने आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप सभी के लिए कमाल की फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जिसका नाम है माई 11 सर्कल। इस ऐप की खासियत ये है दोस्तों कि आपको चैंपियंस यानी कि राशिद खान के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यही नहीं, आप इनके साथ हेड टू हेड भी जो है इस ऐप के द्वारा खेल सकते हैं। तो सिंपली आपको पिकअप करने हैं अपने 11 खिलाड़ी। अगर आपने राशिद खान की टीम को बीट कर दिया तो आपको मिलेंगे 3 गुना ज़्यादा कैश कमाने का मौका। और जैसे कि आ रही है इंडिया और इंग्लैंड सीरीज, तो आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है लाखों नहीं करोड़ों जीतने का। और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आपने जो भी पैसे जीते रहेंगे आप उसको सिंपली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाकर के डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यही नहीं, आपको 1500 रुपया बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पे। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि IPL 21 का जो ऑक्शन है वो तो खत्म हो गया है, और पंजाब की टीम ने काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है खरीदे हैं। और ऐसे में पंजाब की टीम ने अगर हम बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का प्रदर्शन देखते हुए इन खिलाड़ियों को या तो रिटेन किया है या तो इन्हें कर दिया है अपने टीम से बाहर, और ऑक्शन में उन खिलाड़ी को खरीदा है जिन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक सीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है IPL ऑक्शन से पहले। तो ऐसे पंजाब की टीम के लिए अगर हम बात करें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रवि बिश्नोई जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में हाल ही में जो उनका प्रदर्शन निकल के सामने आया है, राजस्थान की टीम से ये खेलते हैं, वहीं अगर बात करें तो उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, जहाँ पर इन्होंने 10 ओवर फेंके हैं और वहाँ पर इन्होंने दिए हैं 3 विकेट। और वहीं बात करें तो इन्होंने कुल खर्चे हैं 55 रन, यानी कि जो इनकी इकॉनमी रही है 5.5 की रही है वनडे मैच में। दोस्तों ऐसे में इस इकॉनमी के साथ 3 विकेट झटकने वाले रवि बिश्नोई कहीं ना कहीं पंजाब टीम के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि किस अच्छे फॉर्म से वो जूझ रहे हैं, और पंजाब की टीम को इनके इस प्रदर्शन से काफ़ी अच्छा और महसूस होना चाहिए कि IPL 21 में भी किस तरीके से फॉर्म में दिखने वाले हैं रवि बिश्नोई। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही दोस्तों अगर बात करें तो दूसरे गेंदबाज के रूप में सामने आए हैं ईशान पोरेल, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में वापस से एक बार लिया है 3 विकेट और इन्होंने पूरे 10 ओवर फेंके हैं। ये बंगाल की तरफ से खेलते हैं, वहीं अगर बात करें तो सौराष्ट्र के खिलाफ इन्होंने ये प्रदर्शन करके दिखाया है। यहाँ पर इन्होंने खर्चे हैं 71 रन और इनकी जो इकॉनमी रही है वो 7.1 की रही है, लेकिन वनडे मैचों में ये इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो वहीं अगर बात करें ईशान पोरेल की तो इनका प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लेकिन इनकी जो इकॉनमी रही है कहीं ज़्यादा रही है। तो पंजाब की टीम चाहेगी कि ईशान पोरेल ऐसे ही विकेट झटकते रहें, लेकिन इनका जो इकॉनमी है उनमें थोड़ा सुधार आते रहे, ताकि पंजाब की टीम जो है इन्हें T20 के मैच में भी यानी कि IPL में इन्हें अच्छा खासा जो है मौका दे सके, और पंजाब की टीम से ये पूरा सीज़न जो है IPL खेलते हुए हमें नज़र आए। तो
तो आपका क्या कहना है ईशान पुरल के बारे में, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो पंजाब की टीम की तरफ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर से मनदीप सिंह ने। मनदीप सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छे कमाल किए थे, लेकिन इनकी टीम जो है खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन यहां पर पंजाब की टीम को ये सेमीफाइनल तक लेकर के गए थे। तो बात करें मनदीप सिंह की तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा था काफ़ी अच्छा रहा था सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और अपने उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए ये विजय हजारे ट्रॉफी तक भी लेकर आए हैं। ये पंजाब की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हैं, आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाफ इन्होंने ये प्रदर्शन किया है जहां पे इन्होंने कुल बनाए हैं 64 रन 81 गेंदों खेल करके। जी हाँ दोस्तों 64 रन इन्होंने बनाए हैं 81 गेंद खेल करके, और वहीं अगर बात करें तो इन्होंने कुल लगाए हैं 8 चौके, छक्के इन्होंने एक भी नहीं लगाए हैं। इनकी जो स्ट्राइक रेट रही थी वो रही थी 79 की, यानी कि 80 से कम जो है इनका स्ट्राइक रेट रहा था, लेकिन मनदीप सिंह चाहेंगे कि आगे भी जो है ये मैच खेलें और इनका जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा बनता रहे और इनका जो स्ट्राइक रेट है उसको ऊपर बढ़ाते रहें, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, हाल ही में अगर हम बात करें तो पृथ्वी शॉ ने जिस तरीके से डबल सेंचुरी मारी है, और वहीं किशन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हम बात करें सुरेश रैना भी और रॉबिन उथप्पा का भी जो प्रदर्शन है दिन ब दिन बदलते जा रहा है, तो मनदीप सिंह भी चाहेंगे कुछ ऐसे इनिंग खेलकर दिखाएं और पंजाब की टीम को कुछ राहत भरी सांस दें कि T20 के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी तो क्या IPL में भी वो इसी तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मनदीप सिंह के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो पंजाब की टीम से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है शाहरुख खान ने। शाहरुख खान जिसको पंजाब की टीम ने खरीदा है एक अच्छे बाइंग के रूप में 5 करोड़ रुपए खर्च करके, तो पंजाब की टीम जो है इस बल्लेबाज के प्रदर्शन से कहीं ना कहीं खुश होती रहेगी, क्योंकि इन्होंने एक बार फिर जो है खेली है अर्धशतकीय पारी। इसके पहले भी मैच में इन्होंने अर्धशतक लगाया था और अपनी टीम को मैच जिताया था। ये तमिलनाडु की टीम से खेलते हैं और इनका जो प्रदर्शन है वो मध्य प्रदेश की टीम से निकल के सामने आया है, जहाँ पे इन्होंने 3 चौके और 5 लंबे तगड़े हिटिंग करके छक्के लगाए हैं। इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो रहा है 87 का, यानी कि 90 से 3 कम का स्ट्राइक रेट इनका रहा है, लेकिन वनडे मैचों में ये स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये अपनी टीम के लिए मैच विनर भी साबित हुए हैं। तो शाहरुख खान जो कि अभी न्यू बाइंग हुए हैं पंजाब की टीम के लिए, और इसके पहले ही IPL के पहले ही इनका ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं पंजाब की टीम के लिए एक राहत वाली सांस होगी कि पंजाब की टीम ने इन्हें खरीद तो लिया है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है दिन ब दिन काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इन सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पंजाब की टीम क्या इन चारों खिलाड़ियों को अपने टीम में प्लेइंग 11 में जगह दे या ना दे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन कौन सा खिलाड़ी सक्षम है पंजाब की टीम में अपनी जगह बनाने के लिए आखिरी के 11 में, दोस्तों आपका कमेंट का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।